मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अभी हम डिप्लोमा का इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप प्रैक्टिस जो रहता है, प्रैक्टिकल रहता है, उसमें हम 11 नंबर प्रैक्टिकल करेंगे, जिसमें है ओवरऑल है सिंगल फेज एंड थ्री फेज वेरिएक। तो एक वेरिएक रहता है जो हमारा क्या काम करता है, जो वोल्टेज एंड करंट को रेगुलेट करता है। मतलब आप उसमें वोल्टेज कम और ज़्यादा कर सकते हैं। ये ज़्यादातर लेबोरेटरी में यूज होता है, इसीलिए ये हमारा उसको हम खोल के देखेंगे। अभी ये देखिए, इसका जो सिंगल फेज का रहता है, ये इसका डायग्राम ऐसा है। एक कॉइल रहता है कॉपर का, और इसमें हम एक वेरिएबल पॉइंट टेप करके उसको हम लोड के साथ लगाते हैं, और उसमें वेरिएबल ये कम ज़्यादा करके वेरिएबल करते हैं। और ये थ्री फेज का भी रहता है, थ्री फेज का ऐसा रहता है, ये ऐसे घूमता है, और इसमें भी कॉइल रहता है और थ्री फेज रहता है, और एक न्यूट्रल की वायर रहता है। इसमें हम इनपुट देते हैं और आउटपुट और एक जगह से लेते हैं। तो इसको हम सिंगल फेज को हम खोल के देखेंगे। अब ये आप जो देख रहे हैं, ये एक सिंगल फेज वेरिएक है। इसमें आपका डिस्क्रिप्शन ऐसे देख सकते हैं, मैक्सिमम लोड 6 एम्पियर ऐसे लिखा है, 240 वोल्ट 50 to 60 हर्ट्ज, ये सब रहता है। और इसको हम पहले खोल कर देखेंगे। ये देखिए, इस पर इसमें एक स्क्रू रहता है, इसको हम पहले खोलेंगे। इसको खोलने से इसके बाद ये निकल आता है, और ये जो है ऐसे घूमता है, वो भी करके हम देखेंगे। उसके बाद ये टर्मिनल जो रहता है, इसको हम खोलेंगे इस पर, और इसमें टर्मिनल रहता है। इसमें बहुत सारा पॉइंट है, आप देख सकते हैं, जैसे कि ये आउटपुट का है, ये इंडिकेटर का है, और ये इनपुट का भी है नीचे वाला। और इसमें स्क्रू रहता है, ये स्क्रू अगर हम निकालते हैं तो फिर ऐसा ये दिखता है। ये कॉइल है, और ये टेपिंग का इसका इनपुट और आउटपुट रहता है। आप देख, अगर ज़्यादा अंदर देखेंगे तो देख सकते हैं। तो ये ऐसे रहता है और ऐसे दिखता है। तो इसको अभी हम फिटिंग करेंगे, और फिटिंग करने के बाद देखेंगे कैसे वोल्टेज कम और ज़्यादा हो रहा है। और इसका जो मेंटेनेंस रहता है, ज़्यादातर क्या होता है, ये वायर वगैरह टूट जाता है, और ये जो ऐसे घूम रहा है, ये ऐसे घूमता है। तो ये जो घूम रहा है, एक आप देख सकते हैं, एक ब्रश है इसके अंदर। इसमें अगर कार्बन वगैरह हो जाता है तो ये सप्लाई नहीं देता है। तो ऐसे ये घूमने के बाद सप्लाई छोड़ता है। अभी हम करके देखेंगे इसको फिटिंग करने के बाद। अभी हम जो हमारा जो वेरिएक है, उसमें हम वोल्टेज कम और ज़्यादा करके हम देखेंगे। और इसे दिखाने के लिए मैं एक मल्टीमीटर का यूज कर रहा हूँ, और एक बल्ब का भी यूज करता हूँ, क्योंकि आपको ठीक से पता चलेगा। अभी आप देख सकते हैं, जीरो वोल्टेज है और लाइट भी नहीं जल रहा है। अभी मैं इसको धीरे धीरे बढ़ाऊँगा। अभी आप देख सकते हैं 16-27 वोल्ट है, और लाइट थोड़ा थोड़ा जल रहा है, उसका सिर्फ कॉइल ही जल रहा है। अभी 38 वोल्ट है, अभी देख सकते हैं, अभी ये 93 वोल्ट है, और ये 93 वोल्ट में जल रहा है। और आपको ये दिखा देता हूँ, ये जो फ्रीक्वेंसी है, आप देख सकते हैं, ये जो सर ट्रू आरएमएस वो मल्टीमीटर में लिखा है, ये फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, 94 में भी है, और कम करूँ तो तभी 50 हर्ट्ज है, और बहुत ज़्यादा अगर करता हूँ 160। अब देख सकते हैं बल्ब कैसे जल रहा है, 202, 215, 16, 17 भी हो गया, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है, और ये वोल्टेज और करंट वेरी हो रहा है। तो इससे क्या पता चलता है, जो वेरिएक है वो फ्रीक्वेंसी कम नहीं करता है, वो जितना फ्रीक्वेंसी है उतना ही देता है, और सिर्फ वोल्टेज और करंट कंट्रोल करके हमें देता है। आशा करता हूँ आपको सब समझ में आया होगा।
थैंक यू।